आजकल सर्व शिक्षा अभियान के तहत महाराष्ट्र भर में जिला परिषद की ओर से बालवाड़ी और आंगनवाड़ी परियोजनाएं चलाई जा रही है। आंगनवाड़ी और बालवाड़ी एक ऐसी संकल्पना है जो 0 से लेकर 6 साल के बच्चों की पढ़ाई, पोषक आहार, स्वास्थ्य की देखभाल, पढ़ने के लिए स्टेशनरी, कपड़े आदि सुविधा से बच्चों का सर्वांगीण विकास करती है। लेकिन यहाँ सामाजिक विषमता यह है कि दलित, आदिवासी और दूर बस्ते में रहने वाले बच्चे इन सुविधा से वंचित है। जब मैंने मेरे गांव सायने बुद्रुक में आंगनवाड़ी को विजिट दी तब ऐसे दिखाई दिया कि दलित बस्ती की और आदिवासी बस्ती के नाम से चलाई जाने वाली आंगनवाड़ियाँ उन बस्तियों से दूर गांव में चलाई जाती हैं। इस वजह से दलित आदिवासी के बच्चे आंगनवाड़ी आ नहीं पाते और ना ही कोई सेविका उन्हें लेने जाती है। आदिवासी दलित बच्चे की कुल संख्या 155 के आसपास है लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 ही बच्चे दिखाई दिए। जातीचे नाही जातीचे किती येत आहे जातीचे नाही सायने बुद्रुक गावासाठी 2 अंगणवाडी इमारती अंगणवाडी केंद्र आहेत आणि त्यात नव्याने इंदिरानगर भागासाठी ओंकारनगरसाठी एक नवीन मिनी अंगणवाडी मंजूर झाली आहे। दोनों अंगणवाड्या एक दुसरे के बगल में है। इस बात का फायदा उठाकर यहाँ की सेविका और मदतनीस एक ही अंगणवाडी चलाती है। दोनों स्कूलों के किमान 300 बच्चों में से 20-21 तक रोजाना बच्चे आते हैं। इसका फायदा उठाकर यहाँ की कर्मचारी 280 बच्चों का रोज का अनाज बेच देती है। गर्भावस्था में रही माताओं का भी आंगनवाड़ी की ओर से ध्यान दिया जाता है। उसके स्वास्थ्य, पोषक आहार और कई तरह की देखभाल करनी होती है लेकिन यहाँ वैसा कुछ भी नहीं होता। जब मेरी पत्नी आंगनवाड़ी में नाक निकवाकर आई अब तक उसकी किसी भी तरह की खबर नहीं ली गई। कितने दिवस झाले? 7 दिवस। मग काही त्यांनी आहार वगैरेचं काही आणून दिलं? नाही नाही काहीच दिलं नाही। जब भी मैं या और लोग बाल विकास अधिकारी से शिकायत करने जाते हैं तो हमेशा उनका ऑफिस बंद रहता है और अगर मिल भी गए तो बहाने बनाकर इन बातों पे पर्दा डाल दिया जाता है। ये मसला सिर्फ मेरे गांव का नहीं बल्कि पूरे मालेगांव तहसील के 104 गांवों का है। करीबन 300 से 350 के लगभग आंगनवाड़ियों का है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस प्रकार के गैर जिम्मेदार व्यवस्थापन को रोकने के लिए कॉल करें 09028647373। मालेगांव महाराष्ट्र से मैं आनंद पगारे, इंडिया अनहर्ड के लिए।